हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माधव की दुनिया में। आज मैं बना रही हूँ सूजी का बेज पराठा। उसके लिए हमें एक कटोरी सूजी है, ये आधी कटोरी हमारी दही है। जितना हमारी सूजी होगी उससे थोड़ा सा आधा कप दही चाहिएगा। और ये हमारा चावलों का आटा, और ये हमारे पास कॉर्न है, इसमें शिमला मिर्च और ये बीन्स मैंने काट के रखी हुई हैं। अब इनको मैं सोटे करूँगी थोड़ा सा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरे पास फिलिंग के लिए आलू हैं, इनको मैं अभी मैं सॉटे करके आपको दिखाती हूँ। अभी देखो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अभी इसकी फिलिंग। पहले मैं फिलिंग बना के रखूँगी, उसके बाद में मैं आपको आटा गूंद के दिखाऊंगी। ये मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अब ये मेरा ऑयल गरम हो गया, इसमें मैं डालूंगी हींग जीरा और उसके बाद मैं डालूंगी ये मैं सब्जियाँ। इनको थोड़ा सा सोटे करना है, उसके बाद फिर मैं इसमें आलू मिक्स करूंगी। इसमें डाल दूंगी मैं ये कॉर्न और इसको अच्छे से हम चलाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू, ये मेरे आलू हैं, ये मैं डाल दूंगी। और अब इसमें मसाला, मैं जब ये मेरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं मसाला मिलाऊंगी। अब चलो, अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसको एक साइड रख देते हैं। चलते हैं अपने आटे की तरफ। मैं सूजी को कैसे अभी मेरी ये सूजी है, मैं इसमें सूजी डाल दूंगी और इसमें डालूंगी मैं ये दही। पहले से मैंने इसमें एक, आपके पास में अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो उसके लिए मैं एक लाल मिर्च काट के डालूंगी। इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये मेरी कसूरी मिर्च थी। और इसमें मैं डालूंगी, ये मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। और अब मैं इसको दही के अंदर ही मैश करूंगी। सुबह का नाश्ता है और इसमें डालूंगी थोड़ा नमक। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से गूंद लूंगी। इसका बनाऊंगी मैं पराठा। अगर आपको लगता है कि मेरी सूजी थोड़ी पतली हो गई है तो इसके अंदर आप क्या ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी मैदा। मैदा को हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इसको थोड़ा टाइट बनाने के लिए इसे हम इसमें डालेंगे थोड़ा। ये हमारी सूजी होगी तैयार गूंद के। अब मैं इस आटे को निकाल लूंगी और अब मेरा जो फिलिंग बनाई है वो ठंडी हो चुकी है, उसको मैं करूंगी अब तैयार। अब ये देखो, मेरा ये आलू और ये फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ये मेरा आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब मैं बनाऊंगी इसकी फिलिंग। में डालूंगी नमक, पहले डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर, और इसमें डालूंगी मैं ये स्वाद के अनुसार नमक। नमक अपने अनुसार डालें जितना आप खाते हैं। और उसके बाद डालूंगी मैं ये भुना हुआ जीरा, इससे हमारा और टेस्ट अच्छा आता है। भुना हुआ जीरा हो आपके पास तो ज़रूर डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी देखो मेरी फिलिंग बिल्कुल बन के तैयार है। और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा चाट मसाला।
अब मेरे ये चाट मसाला मैंने डाल लिया है। अब इसको मैं हाथ से ही मिक्स करूंगी अच्छे से। अब ये मेरी बनने के लिए रेडी है। चलो अब हम बनाते हैं इसका पराठा। गैस के ऊपर रखूंगी तवा और अब मैं इसको तवे को रख दूंगी। अब ये देखो मैं ये आटा है गूंदा हुआ, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ऐसे तवे के ऊपर, चकले के ऊपर सॉरी, और इसको मैं ऐसे ऐसे मैश करने से, तवा मेरा हो रहा है गरम, तब इसको हम करते हैं मैस। थोड़ा लगा लेंगे इसके ऊपर, हाथों पे लगा लेंगे ऑयल और इसको आटा हम जितना अच्छे से गूंथेंगे उतना ही हमारा, चाहे हम रोटी बनाएं चाहे हम पराठा बनाएं, उतना ही हमारा अच्छा बनेगा। अब हम लगाएंगे ऑयल और इसको बेलेंगे। बिल्कुल पतली पतली रोटियां बेलनी है इसकी और इस पे हम ऑयल लगा देंगे। अगर आपके चकले पे चिपकता है तो इसके ऊपर आप ऐसे ऑयल लगा लें इसको। इसको हम उठा के अपना रखेंगे इसके ऊपर और अब हम दूसरी भी ऐसे ही एक छोटा भी बनाएंगे इसको। जैसे हमने एक बेला है वैसा ही हम दूसरा भी बेलेंगे। इसके ऊपर मैं आटा नहीं लगा रही, ऐसे ही बिल्कुल हल्के हाथ से पतला पतला बेलना है। बीच में थोड़ा मोटा बेसक रह जाए लेकिन किनारों पे थोड़ा मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ये देखो मेरा सूजी बेज पराठा। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई है। जितना आप इसको बेलोगे इतना ये खिंचता है, इसलिए इसको आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से, और ये हमारी अब ये फिलिंग बीच में डाल के और सारी तरफ इसको ऐसे फैला लेंगे। और जो ये हमारा दूसरा पराठा इसको थोड़ा सा हाथ से कर लें क्योंकि ये सिकुड़ जाता है, तो इसलिए इसको हम ऐसे रखेंगे धीरे से और इसको हम इतना लंबा अपने आप हो जाता है, खींचोगे ना इसको तो ये लंबा हो जाएगा। और इसको हल्के हाथ से उठाएंगे ये हमारा टूटने ना पाए और इसको डालेंगे हम तवे के ऊपर। तवा हमारा हो चुका है गरम। चलो अब हम इसको बनाते हैं। इसको फिर बेलन नहीं लगाना नहीं तो ये टूट जाएगा। के ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको फिर जैसे हम पलट लेंगे।
बिल्कुल हल्का हल्का इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये देखो मेरा पराठा बनके तैयार है। अब ये देखो अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं अपनी प्लेट में रख लूंगी और आपको दिखाती हूँ ये पराठा मेरा